अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल जाहिद। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूं मीठी खीर। मीठी होती है मतलब खीर बना रही हूं। मैंने 1 किलो चावलों का टोटा ले लिया, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और अब मैं इसको भिगो दूंगी। भिगोना नहीं है मतलब इसको अच्छे से वॉश करके, अच्छे से इसे वॉश करना, सारी जो गंदगी है वो निकल जाए। फिर मैंने एक डिश कर लिया, उसके अंदर मैंने चावलों को डाल दिया धोकर और उसमें पानी ऐड कर दिया। तकरीबन 3 ग्लास मैंने ऐड किए इसमें और 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया। अब इसको हम कवर कर देंगे। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा अच्छे से तो हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। दूध मैंने इसके अंदर 7 किलो ऐड किया था दूध। आपको पता है खीर बनाने के लिए दूध तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 किलो मैंने गाय का दूध ले लिया था और 2 किलो मैंने डब्बे वाला दूध यूज़ किया था, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। आपको पता है आजकल गाय का दूध भी अल्लाह हाफिज़ी देते हैं दूध वाले। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक इसके अंदर मतलब बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी, ये पकना स्टार्ट नहीं होगा, तब तक हमने इसके अंदर चमचा हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। ये देख सकते हैं ये पकना स्टार्ट हो गई है। अब हमने इसकी आँच बिल्कुल स्लो कर देनी है और बस इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने देखते रहना है। खीर का ये होता है इसके सर पर खड़े होकर बनानी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि झटपट से खीर रेडी होगी, पर मुझे सारा दिन लग गया खीर बनाने में, क्योंकि हल्की हल्की आँच पर बननी होती है, बार बार चेक करना होता है उसे। आप लोगों ने भी मुझे बताना था आप लोगों को खीर बनाने में कितना टाइम लगता है। मैंने लजीज कंपनी की खीर ले ली थी, मिक्स फ्लेवर लिया था मैंने इधर, वो पैकेट 1 ऐड कर देंगे। इससे ये होता है कि थोड़ा सा मज़े का टेस्ट आ जाता है। अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग स्किप कर दें, ऐसे भी बहुत मज़े की बनती है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 3-4 मिनट इसको भी अच्छे से हम पक लेने देंगे। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 7 किलो दूध था, उसके अंदर मैंने 1 किलो चीनी ऐड की थी। हम लोग मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाते, आप लोग अपने हिसाब से चीनी डाल लीजिएगा। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स किया ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। इस टाइम पे हम लोग खीर चेक कर सकते हैं कि मीठा ज़्यादा थोड़ा है तो हम डाल सकते हैं, और इसको स्लो आंच करके इसको मज़ीद अच्छे से पकने देंगे। और अब ये है कि इसके अंदर हमने चमचा हिलाते रहना मुसलसल ताकि खीर नीचे ना लगे। ये देख सकते हैं खीर मेरी तैयार हो चुकी है। वीडियो में तो ऐसा लगता है कि झटपट से होगी, पर सारा दिन मुझे लग गया था खीर बनाने में। ये देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है। और अब मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया था और इसको मैंने 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छे से ठंडी हो गई थी तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया। उसके ऊपर मैंने पिस्ता और बादाम से मैंने उसके ऊपर गार्निश कर दिया इसको। ये देख सकते हैं इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ये जब फुल ठंडी हो जाती है ना, बहुत ही मज़े लगती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।